गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कि इन केस ऑफ पेमेंट इन लमसम अमाउंट, जब हम एक साथ सारा पैसा मंगाते हैं तो क्या एंट्री पास होती है। सत्यम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। इसमें यह है कि उसने सारा जो पैसा है, जितने शेयर्स इशू करे हैं, एक साथ पूरा पैसा मंगा लिया, 100 और 20, 120 रुपए का शेयर हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ कर रहे हैं। 10,000 शेयर्स पे 120 से 12 लाख रुपए। अब इसकी ड्यू की एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो इसमें क्या इंट्रो होगा, यहाँ पर आपका 10,000 शेयर्स को 120 से, 10,000 शेयर्स को 100 से, 10,000 शेयर्स को 20 से, तो 12 लाख 10 लाख एंड 20 लाख, ठीक है। अब यूज ऑफ कैश बुक, अ कैश बुक इज प्रिपेयर टू रिकॉर्ड द कैश ट्रांजेक्शन। इफ अ स्टूडेंट इज आस्क टू प्रिपेयर अ कैश बुक इन द क्वेश्चन, एंट्रीज फॉर कैश ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एंड दोज ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रिलेटेड विद द कैश आर नॉट रिकॉर्डेड इन द जर्नल। मीन्स देखो, अब तुम्हें जब है ना कैश बुक बनाने को बोलेगा, कैश बुक आपने 11th में बनाई थी, सबको बनाना आती है। अब इसको ही जब आप है ना ये एंट्री सॉल्व कर लेंगे, तब आपको बैंक का जो अमाउंट होगा उसको कैश को मान के चलोगे, ठीक है। इलस्ट्रेशन देखो, ए लिमिटेड कंपनी एंटर्ड ए लिमिटेड कंपनी ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर एंड 5,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच पर शेयर। द अमाउंट ऑन इक्विटी शेयर्स कितना है, एप्लीकेशन पर 3,5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि कितने की कॉल हो गई, 3+2 की, एंड फर्स्ट कॉल 4 रुपीज। द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वॉज पेबल एज फॉलो, 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फर्स्ट कॉल। नाउ ऑल द शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब कॉल्ड अ पेड, रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन द जनरल कैश बुक एंड द कंपनी, ठीक है। एक साथ पैसा मंगाया है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस अकाउंट डेबिट, इसने दोनों की एंट्रीज एक साथ करी है, इक्विटी शेयर्स की और प्रेफरेंस शेयर्स की। आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों की एप्लीकेशन कितने कितने की हैं, इसकी 3 रुपीज़ की, इसकी भी 3 रुपीज़ की, 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं और 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं। तो यहाँ पर 10,000 शेयर्स को 3 से इंटू, या 5,000 शेयर्स को 3 से इंटू, 30,000, 15,000, ठीक। इक्विटी शेयर कैपिटल और 2-10% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, हमारी अकाउंट एप्लीकेशन बनी ड्यू हो गई। देन अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू 10% शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि हमारा जो इक्विटी शेयर है वो प्रीमियम पे है, टू 10% शेयर कैपिटल। 10,000 इंटू 5 यह हो जाएगा 10,000 इंटू 5, 5,000 इंटू 4, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है, 10,000 इंटू 3, सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का था, 2 रुपीज़ का, इंटू 2 एंड 5,000 इंटू 4, ठीक है। तो 10,000 इंटू 550, 5,000 इंटू 420, 10,000 इंटू 330, 10,000 इंटू 220, 5,000 इंटू 4, 20,000, ठीक है। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू 10%, ठीक। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, 10,000 इंटू 4, 5,000 इंटू 3 अमाउंट आ गए, ठीक। अब कैश बुक कैसे बनाएंगे, जो बैंक वाली एंट्रीज होंगी हम उसे यहाँ पे, बैंक तो कहीं मेंशन नहीं है इक्विटी शेयर्स है, तो आप इक्विटी शेयर्स का एप्लीकेशन लिखोगे। वरना हम क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन लिखते हैं ना, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को हम बैंक अकाउंट मान लेंगे। 30,000 आए हैं हमारे पास, प्रेफरेंस शेयर की 15,000, फिर अलॉटमेंट पर 50,000, प्रेफरेंस शेयर्स पर 20,000, फिर इक्विटी शेयर पर 40,000 एंड प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल पर 15,000, टोटल करके बैलेंस डाल दोगे हम 170 का, ठीक है। ऐसी शेयर ऑफ डिस्काउंट है, लेकिन ये आपके कंपनीज एक्ट से हट गया है, प्रोविजन है, देखो क्या बोल रहा है। एज पर सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2003, कंपनीज वुड नो लॉन्गर बी परमिटेड टू इशूड शेयर एट अ डिस्काउंट, दे ओनली शेयर दैट कुड बी इशूड एट अ डिस्काउंट आर
sweat equity share wherein share are issued to employee or director in lieu of their services under the section 54 of 2003 act. मीन्स ये क्या कह रहे हैं, अब अपन ना कंपनी है ना 2013 के एक्ट के थ्रू आप है ना डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, अब सिर्फ डिस्काउंट पे स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं जो है ना कि खुद के एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स को इशू किए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अंडर सब्सक्रिप्शन का मीन्स कि आपने जितना इशू किया है, आपने जितना भी इशू किया है उससे कम में आपकी एप्लीकेशन आई है, सब्सक्रिप्शन आई है। समटाइम्स नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर बाय द पब्लिक इज लेस देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड बाय द कंपनी, मीन्स कंपनी ने जितना ऑफर किया है उससे कम लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया है। सच एन इशू इज सेड टू बी अंडर सब्सक्रिप्शन। इन सच अ केस अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर, मीन्स अभी तक हम किस पे जनरल एंट्रीज पास कर रहे थे, जितने शेयर्स इशूड हुए थे, लेकिन अब हम किस पे करेंगे, जितने शेयर्स पे अप्लाइड हुए। एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। शिवा लिमिटेड इशू 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। पेमेंट वर टू बी मेड एस ऑन एप्लीकेशन 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 3+10% कितना हुआ, 10 रुपीज का 1 रुपी ऑन अलॉटमेंट 4 and 5, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज 2। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 18,000 एंड वर ऑल एक्सेप्टेड, ऑल मनी वॉज ड्यू रिसीव पास एंसर एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितने की है, 5 का 20 से इंटू कर दिया, सॉरी हमारे पास एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है, यहाँ पर अब हम किस पे पैसा रिसीव करेंगे, 18,000 शेयर्स पे, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन रिसीव्ड कितनी हुई है हमारे पास 18,000 इंटू 5, वो तो हमने इशूड करी थी लेकिन लोगों ने अप्लाई कितने के किया, कम पे किया है, इसलिए हम इससे इंटू करेंगे 18,000 इंटू 5 90,000। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि हमारी इसी पे है प्रीमियम आ गया है, तो 10,000 इंटू 72,000 शेयर कैपिटल आ गई हमारी और 1,000 से इंटू हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, 1 रुपया हमारा किसका था, सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो 18,000 इंटू 4 18,000 इंटू 1 ठीक। फिर शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे 4 रुपये से, 18,000 इंटू 4 72,000। फिर रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 72,000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज से है, 2 रुपीज से ड्यू करेंगे 2 इंटू 18,000 एंड देन रिसीव करेंगे ठीक। अब इसमें बैलेंस शीट पे एक्सट्रैक्ट वगैरह कैसे क्या बनाएंगे हम, शेयर कैपिटल नोट्स टू अकाउंट देखो पहले, इशूड कितने किए थे 20,000 से 10,000 के हिसाब से 2,00,000, लेकिन सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कितने हैं, 18,000 पर 10 रुपीज के हिसाब से 1,80,000। रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना आया हमारा 18,000। कैश एट बैंक कैसे बनाएंगे, आप एंट्रीज बना लोगे ठीक है, जैसे हमने कैश बुक बनाई थी वैसे। अब यहाँ पे आपका शेयर कैपिटल दिखा दिया आपने 180, रिजर्व एंड सरप्लस 18,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएंगे आपके 1,90,000, ये आपका बैलेंस शीट का एक्सेप्ट हो गया। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मीन्स अभी तक हम सिर्फ पैसों के लिए इशू कर रहे थे शेयर्स को, लेकिन अब हम के पैसे के अलावा कंसिडरेशन अदर देन कैश के मीन्स, जैसे अगर हमें कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है और हमारे पास कैश नहीं है तो हम उसको शेयर इशू कर देते हैं। देखो समझो, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इशू द शेयर्स ओनली फॉर कैश, अ कंपनी में इशू फुली पेड शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, मीन्स कंपनी कई बार ऐसा होता है कि है ना किसी ऐसे सर्कमस्टेंसेस में फंस जाती है, तब वो है ना शेयर इशू कर देती है फुली पेड अप, मीन्स उन्हें कोई पैसा देना नहीं होता, उन्हें इशू किए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। इशू शेयर्स टू प्रमोटर्स, प्रमोटर्स को कोई पेमेंट देनी है, उसकी जगह पेमेंट देने की जगह हमने उन्हें शेयर्स दे दिए, तो जब हम प्रमोटर्स को करते हैं तो क्या एंट्री बनती है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन कॉस्ट फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इशू ऑफ शेयर फॉर परचेज ऑफ असेट्स, अब हम कोई असेट्स खरीद रहे हैं, समटाइम्स अ कंपनी परचेज सम असेट्स एंड इंस्टीड ऑफ मेकिंग द पेमेंट टू द वेंडर इन द फॉर्म ऑफ कैश इट इशूड फुली पेड शेयर टू द वेंडर, फॉलोइंग जनरल एंट्रीज आर मेड टू बी फॉर दिस पर्पस, मीन्स अब देखो हम कैश में कोई मशीन खरीदी या कोई प्रॉपर्टी खरीदी हमने, अब हमें कैश में पेमेंट नहीं करनी तो हम उसे शेयर इशू कर रहे हैं, तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, पहले हम मशीन खरीदने की एंट्री करेंगे या जो भी असेट्स खरीद रहे हैं, संडी असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट जिससे हमने लिए हैं, देन इशू करेंगे हम उसे शेयर्स, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल
एक इलस्ट्रेशन देख लो फटाफट से. एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड फॉर 9 rupees, 9 lakh पेबल इन फुली पेड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. व्हाट एंट्रीज विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड इन सच इशू एट पार एंड एट प्रीमियम ऑफ 25%. मतलब एट पार पे भी इशू करना है और एट प्रीमियम पे भी. पहले मशीन भी परचेज की, संडे असेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड से खरीदा है कितने का, 9 lakh का. अब वेन शेयर इशूड एट पार, तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे, कैलकुलेशन कैसे होगी देखो. 9 lakh की चीज है, 10 rupees ईच पे शेयर इश्यू करे तो कितने हो गए हमारे, 90,000 शेयर्स हो गए. तो 90,000 पे 10 rupees ईच इंटू 9 lakh, ठीक है. वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. अब ऐसी इशूड एट प्रीमियम पे होगा तो कैसे होगा, एंट्री होगी पहले वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. सिक्योरिटी प्रीमियम 25% है, 10 rupees का 25% कितना हुआ, 2.5 rupees. तो हमारा टोटल कॉस्ट कितनी हो गई शेयर्स की, 12.5 rupees. 9 lakh के हमारे शेयर्स हैं तो डिवाइड कर देंगे तो हमारे कितने शेयर्स निकालेंगे, 72,000 शेयर. तो 72,000 इंटू 10, 9 lakh हमारी शेयर कैपिटल 12.5 से इंटू होगी, यहाँ पे कितने इंटू होगा वाई लिमिटेड में, 72,000 इंटू 12.5 शेयर कैपिटल में होगा, 72,000 इंटू 10 और 72,000 इंटू 2.5, ठीक है. चीज़ें समझ में आ गई. ओके, नेक्स्ट क्लासेस में आप न्यूमेरिकल कर दीजिएगा, मैं आपको न्यूमेरिकल दिखा देती हूँ. ये हैं आपके प्रीमियम तक हो चुके थे, अब आपको कंसीडरेशन अदर देन कैश के करने हैं. क्या क्वेश्चन है, विमल लिमिटेड परचेज अ मशीनरी ऑफ 9,90,000 फ्रॉम कमल लिमिटेड. द पेमेंट ऑफ टू कमल लिमिटेड वॉज मेड बाई इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ विमल लिमिटेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी एंड द इशू ऑफ शेयर्स एट पार एट प्रीमियम, ठीक है. अब आपको सेकेंड क्वेश्चन भी यही है, देन थर्ड. आपको कोई भी कंफ्यूजन हो मैं इसकी पिक भी भेज दूंगी, ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. थैंक्स फॉर टुडे.